कलर्स के माइथोलॉजिकल शो महाकाली अंत ही आरंभ है में अब महादेव और उनकी अर्धांगिनी सती के दैव्य प्रेम गाथा सभी के सामने होगी। हम सभी ने शिव और सती का अब तक एक अलग ही पहलू देखा था, पर इस शो में इनके मिलन और जुदाई के उन कहानियों को उजागर किया गया है जिन पर शायद ही कभी रोशनी डाली गई थी। सती शिव से पहली बार तब मिलती है जब वो शिकार पर गई हुई थी। उस समय शिव उन्हें रोक लेते हैं और प्रकृति से छेड़छाड़ न करने की सलाह देते हैं। इस बात पर सती बेहद क्रोधित होती है। सती के पिता राजा दक्ष को मानो नियति का आभास हो जाता है। उन्हें ये एहसास हो जाता है कि शिव और सती का मिलना तय है। इस वजह से वो सती पर पहरा लगवा देते हैं ताकि वो दोबारा कैलाश पर ना जा सके और शिव से नहीं मिल पाए। पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि शिव से मिलकर सती को मालूम हो गया था कि वो साधारण सन्यासी नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के आत्मसार हैं। उन्हें शिव से प्रेम हो जाता है। फिर क्या था, अपने पिता राजा दक्ष के पहरे से बचकर सती कैलाश पहुंच जाती है और महादेव से विवाह करने का प्रस्ताव रखती है। पर शिव जी इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। वो सती को बताते हैं कि किस तरह उन्हें आदि शक्ति का इंतजार है। अंततः सती महादेव को अपने सभी 10 महाविद्याओं का दर्शन कराती है, जिसके बाद महादेव को पता चल जाता है कि सती ही उनकी अर्धांगिनी है। दोनों ही वहाँ विवाह कर लेते हैं। कुछ समय बाद सती दक्ष के यज्ञ में बिना आमंत्रण ही पहुंच जाती है, जिस वजह से राजा दक्ष उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वो अपनी सारी हदों को पार कर महादेव का अपमान कर बैठते हैं। अपने पति महादेव के इस अपमान को सती बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने पिता के दिए हुए देह को त्यागने के लिए वो उन्हीं के हवन कुंड में कूद जाती है। सती के इस दुखद दहन के बाद आखिर किस तरह महादेव के तांडव से राजा दक्ष बचते हैं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है कमेंट कीजिए और इस कहानी में और क्या होता है ये जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी प्राइम टाइम।